जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गोरखपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ रीडर शोभा गुप्ता को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शाम करीब 5 बजे आवेदक उत्कर्ष उपाध्याय रिश्वत की रकम लेकर शोभा गुप्ता के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पैसा शोभा गुप्ता के हाथ में दिए, तत्काल बाहर खड़े लोकायुक्त पुलिस के अधिकारी कार्यालय में पहुंचे और रीडर शोभा को पैसों के साथ दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आवेदक उत्कर्ष उपाध्याय ने एक जमीन नामांतरण के लिए आवेदन दिया था। तहसीलदार राजेश शुक्ला की रीडर शोभा गुप्ता कई दिनों से उन्हें टाल रही थी और आखिर में उसने पैसों की मांग कर दी, जिसके बाद आवेदक ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। बहरहाल लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, ये क्या मामला था और किस तरह से क्या हुआ? हमारे फरियादी हैं उत्कर्ष उपाध्याय, इनके द्वारा जमीन नामांतरण का केस तहसील कार्यालय गोरखपुर में लगाया गया था। तहसील कार्यालय गोरखपुर में पदस्थ है श्रीमती शोभा गुप्ता, इनके द्वारा इनके और यहाँ एक प्राइवेट व्यक्ति है मिस्टर किशन श्रीवास्तव, इनके द्वारा 2000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने शोभा गुप्ता को 2000 रुपये लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई चल रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।